गुड मॉर्निंग टीचर्स, ऑनलाइन टीचिंग थ्रू मोबाइल पार्ट 4 में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक देख रहे हैं आप, हाउ टू रिकॉर्ड टीचिंग वीडियोस फ्रॉम दिस डैशबोर्ड। अगर आपने मेरे इस सीरीज़ के पहले 3 पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया पहले उसको आप देख लें। उसमें मैंने ऑनलाइन टीचिंग थ्रू गूगल मीट और एनी अदर प्लेटफॉर्म में अ लॉट ऑफ टीचिंग एक्टिविटी के साथ आप इस डैशबोर्ड को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें उस पर बताई हुई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि देखिए मुझे टीचिंग वीडियोस क्यों बनानी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा अपने टीचर से कनेक्टेड होते हैं, जो उनको हमेशा पढ़ाते हैं, उनकी बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपका वीडियो किसी भी तरह का हो, क्या वो टीचर्स के वीडियोस को स्टूडेंट्स ज़्यादा लाइक करते हैं। मेरे वीडियोस में लाइट, कैमरा, एक्शन, माइक जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ से पकड़ रखा है, इसको थोड़ा सा टर्न करके आपको दिखाते हैं। इस हाथ से मैंने इस मोबाइल फ़ोन को होल्ड किया हुआ है और ये जो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट होगा, इसको भी इसी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन मेरे इस मोबाइल डैशबोर्ड की वजह से ये वीडियो प्रेजेंटेबल जरूर बन जाता है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको कुछ राइटिंग टूल्स के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये पेन स्टाइलस पेन कहलाता है, जिससे मैं मोबाइल स्क्रीन पे लिखता हूँ। और इस साइड में एक सेंसिटिव रबर टिप लगा हुआ है, इसकी वजह से राइटिंग पॉसिबल होता है मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये पेन की, इस पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, या ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह साइट्स पे ये 200 रुपये का एक 10 पेन का पैकेट आता है। देखिए, दूसरा पेन अभी मैंने ये मंगाया हुआ है, अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था इसको। इस पेन का टिप कुछ इस तरह का है। ये आपको देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इससे राइटिंग बिल्कुल स्मूथ है। जैसे आप अपनी कॉपी पे पेन से लिखते हैं, बिल्कुल वही फील होता है। और इस पेन से आप किसी भी साइज़ में आप लिख सकते हैं, छोटा या बड़ा, रनिंग हैंड, किसी भी, बिल्कुल स्मूथली जैसे आपको कॉपी या पेन से आप लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह का फील होता है। ये टिप फ्लेक्सिबल भी होता है, किसी भी तरफ ये मुड़ जाता है, आपको लिखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, बहुत स्मूथ राइटिंग इससे होती है। देखिए, ये पेन मैंने ऑनलाइन 450 रुपीज़ का मंगवाया है, इसकी कॉस्ट 450 रुपीज़ है, बट इसका राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा है, आपको अच्छा फील देगा। इसके अलावा देखिए कि 30-40 रुपये का मोबाइल शॉप्स पे इस तरह का मोबाइल का होल्डर मिल जाता है, इसकी कॉस्ट मुश्किल से 40 या 50 रुपये है। इस होल्डर्स में आप इस लिखने के टाइम में, जब आप अपना ये वीडियो ऑफ कर देते हैं और आप स्क्रीन पे, ब्लैक बोर्ड पे या पीपीटी पे या पीडीएफ फाइल पे आप कुछ लिख रहे हैं, उसके दौरान आप इस पे रख सकते हैं मोबाइल को। और देखिए, इसका लिखने के लिए भी आप 45 डिग्री एंगल या कोई भी डिग्री एंगल आप पीछे से इसको सेट कर सकते हैं। इसको यहाँ देखिए, एंगल कम ज़्यादा भी हो जाता है। ये इसमें देखिए, एक मोबाइल हमने यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, अब ये कहीं भी ना तो इधर उधर हिलता है, और आप बड़े आराम से इसको वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम में किसी भी एंगल से इसको लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप प्ले स्टोर से एक्स रिकॉर्डर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस एक्स रिकॉर्डर ऐप की पहले सेटिंग करना ज़रूरी है कि किस रिजोल्यूशन में हमें अपने वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो देखिए, इस एक्स रिकॉर्डर को ओपन करते हैं और इसकी कुछ सेटिंग करते हैं। यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, यहाँ हमारे जो पहले के कुछ वीडियोज़ हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं वो डिस्प्ले हो रहा है। ये सारे उन वीडियोज़ के रिकॉर्डिंग को डिस्प्ले कर रहा है। आप नीचे सेटिंग का बटन है, सेटिंग के बटन को ऑन करेंगे। अपने रिजोल्यूशन को 720p पे कर रखा है और जो इसकी क्वालिटी है 6 Mbps है। FPS इसका ऑटो है। इसके बाद इधर कुछ नहीं करना है। रिकॉर्ड ऑडियो ये आपको ऑन करना है।
हाइड रिकॉर्ड विंडो ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, इसको ऑन कर देना है। और देखिए, रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले हमेशा आपको कैमरे को ऑन करना होगा और ब्रश को भी ऑन करना होगा, ये दो बहुत ज़रूरी है रिकॉर्डिंग के लिए। तो ये देखिए, आपका कैमरा भी ऑन हो जाता है, रिकॉर्डिंग के लिए अब तैयार है। नीचे से ब्रश के जो ऑप्शन खुल रखा है उसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से बैक जाते हैं। अब हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे तो अपने डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। देखिए, डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। देखिए, अभी हमारी रिकॉर्डिंग शुरू है। अगर हमें कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख के पढ़ाना है बच्चों को, तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड टच करते ही ओपन हो जाता है स्क्रीन पे। इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के बाद देखिए, आप एक ब्रश का ऑप्शन आ रहा है। ये इस ब्रश के ऑप्शन को जैसे ही हम ओपन करेंगे, यहाँ पे कुछ भी, अब इस ग्रीन बोर्ड पे कुछ भी लिखा जा सकता है। कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे डिफरेंट कलर ले सकते हैं। इस पर ग्रीन बोर्ड पे लिखने के लिए वाइट कलर ले लेते हैं। तो देखिए, इस पर आपके जो स्टेप्स हैं, रिकॉर्डिंग के स्टेप्स हैं, उसको ही लिख के बता रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग के लिए जो पहला स्टेप होगा वो होगा ओपन एक्स रिकॉर्डर, और जो सेकंड स्टेप होगा आपका वह ओपन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर एक्स रिकॉर्डर का एक आइकॉन नज़र आता है, उस आइकॉन को टच करेंगे तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन आते हैं। ब्रश ओपन करने का भी ऑप्शन आता है, कैमरा ओपन करने का भी ऑप्शन आता है, और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने का भी ऑप्शन आता है। रिकॉर्डिंग को जैसे ही स्टार्ट करेंगे, तुरंत रिकॉर्डिंग का काउंट डाउन शुरू हो जाता है, और जैसे ही काउंट डाउन ख़त्म होगा, आप बोलना शुरू कर दीजिए, वीडियो रिकॉर्ड होना आपका शुरू हो जाता है। तो देखिए, जो तीसरा स्टेप था हमारा कैमरा, ब्रश और स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग ये शुरू करना है। इसके बाद आप देखिए, रिकॉर्ड करते रहिए। इस पेज पे भी जिस पे अभी हमने लिखा है, कितना भी आप लिख सकते हैं, स्मूथली लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे हमने अपनी बहुत जल्दी से इसमें लिखा है, तो आप कोई भी डिफरेंट कलर को भी चेंज कर करके इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, नीचे आप स्क्वायर जैसी शेप को अगर टच करते हैं तो यहाँ स्क्वायर या रेक्टेंगल बना सकते हैं। सर्कल को टच करेंगे तो यहाँ सर्कल बना सकते हैं। मतलब टीचिंग के टाइम में आप कई चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। और जैसे ब्रश के ऑप्शन को आप ऑफ करते हैं, ये आपका रिकॉर्डिंग जो आपने इस पे लिखा होता वो चला जाता है। देखिए, एक चीज़ है, जब ऑनलाइन हम पढ़ा रहे होते हैं गूगल मीट पे, तो ये क्योंकि ब्रश को ऑफ करते ही आपका जो कुछ इस पे ब्लैक, इस पे ग्रीन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है आपने, वो सारा का सारा क्लीन हो जाता है। इसलिए आप बच्चों को बोल सकते हैं कि वो स्क्रीन शॉट साथ साथ में ले सकते हैं, तो ये उनके पास जो भी आप पढ़ा रहे हैं स्क्रीन शॉट्स के रूप में उनके पास सेव हो जाता है। जो भी आपने डैशबोर्ड पे ला रखा है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए, कितना भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसको। इस पे अगर आपको कुछ लिखना भी है तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है। PPT पढ़ाते टाइम में जो भी आप समझा रहे हैं बच्चों को, लिख के भी बता सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप गूगल ड्राइव से कोई अपनी फाइल को निकाल के पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप गूगल को टच करेंगे तो यहाँ देखिए, गूगल ड्राइव से इसी डैशबोर्ड से PDF फाइल ओपन हो जाती है और ये पूरे स्क्रीन पे आ रही है। इसको कितना भी आप जूम कर सकते हैं या जूम इन करना है, जिस साइज़ में आपको बच्चे को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, इसको आप दिखा सकते हैं, उसको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इस PDF फाइल को जैसे कि हमने बताया हुआ है पिछले, इसके पहले जो हमारा Part 3 था उसमें हमने बताया है कि PDF फाइल को आप PPT से भी बेटर कैसे बना सकते हैं, वो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो PDF फाइल है वो बहुत सुंदर बनी है, देखने में किसी PPT से कम नहीं है। चलिए, इस PDF फाइल को भी क्लोज कर देते हैं
और वापस अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। देखिए मेरे स्टिचिंग डैशबोर्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप एक ही पेज से बहुत सारी टीचिंग एक्टिविटी को डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए जैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी समय हमें लगता है कि YouTube से हमें कोई वीडियो क्लिप दिखानी चाहिए, तो हम यहाँ पे जो हमने लिंक दे रखा है उसी को क्लिक करेंगे और ये वीडियो क्लिप आपका शुरू हो जाता है। CIE काम करके ही दम लूंगा। काम काम रुविंदर तू कहाँ चला गया? अब मैं क्या करूं? अब मैं किसके साथ खेलूं? अब मैं तो ये देखिए आप वीडियो पॉज करके बाद में अपनी रिकॉर्डिंग आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप अपनी ये आपका वीडियो के अंदर वीडियो आ रहा है, ये सिर्फ फैसिलिटी आपकी इसी टीचिंग डैशबोर्ड से हो सकती है। इसके अलावा और कोई आप वीडियो डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो वो भी कैसे पहुंचता है पत्तियों के भीतर? क्या आपने पत्तियों पर कुछ रेखाएं देखी हैं? ये असल में ट्यूब्स रहती हैं, जिससे पानी पत्तियों के हर कोने तक पहुंचता है। मोटी ट्यूब्स को कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा के द्वारा पत्तियों की छेद यानी स्टोमाटा से अंदर आती है। तो देखिए यूट्यूब से आप वीडियो दिखाते समय भी आप इस तरह से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। कुछ बताना चाहे वीडियो आप स्टॉप कर सकते हैं, फिर उसको प्ले कर सकते हैं दोबारा। ऑक्सीजन स्टोमाटा से बाहर जाती है। इस तरह स्टूडेंट्स को काफी एक्टिविटी के साथ पत्तियां पौधों का रसोई घर होती है, इसलिए उसे प्लांट्स की। चलिए यूट्यूब को यहाँ से बंद कर देते हैं, फिर अपने टीचिंग डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस डैशबोर्ड से एक बहुत सारे प्रो फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं। कोई गूगल ड्राइव से फाइल ओपन कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं मूव नहीं करना है, सिर्फ आप एक ही पेज पे रुके हुए हैं, वहीं से सारे वीडियोस का लिंक दे रहे हैं, वहीं से आपकी देखिए रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो वीडियो के अंदर वीडियो आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और बहुत सारे देखिए पिक्चर्स हैं, उनको भी डिस्प्ले किया जा सकता है। तो देखिए अगर हमारा रिकॉर्डिंग का काम पूरा हो जाता है उसके बाद इस मोबाइल के ऑन ऑफ स्विच से हम इसको वीडियो को रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं और हमारा वीडियो बनने के बाद एक्स रिकॉर्डर में सेव हो जाता है। इसके बाद इस वीडियो की एडिटिंग करना आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।